हेलो दोस्तों डब्ल्यू एस टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ दोस्तों सिक्स क्लास के कंप्यूटर में आज हम लोग अपने एक और नए टॉपिक की तरफ मूव हो रहे हैं तो दोस्तों आज हम लोग बात कर रहे हैं अपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में जो टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है आप लोग जानते हैं आप बहुत सारी मशीन को यूज करते हैं जैसे कंप्यूटर को भी आप यूज करते हैं और कंप्यूटर के अलावा भी आजकल खूब सारी चीजें हैं जैसे आप स्मार्ट वॉच को यूज करते हैं दोस्तों आप टीवी को यूज करते हैं आप लोग इन दिनों में जो आपकी वॉशिंग मशीन है उसको यूज करते हैं तो इन सभी के अंदर जो है कुछ प्रोग्रामिंग कुछ कोडिंग की जाती है जिसको हम लोग यूज करते हैं ठीक है तो आजकल ऑलमोस्ट सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उनके अंदर प्रोग्रामिंग होती है यानी कि उनमें ना कुछ टाइप के सॉफ्टवेयर को डाला जाता है तो दोस्तों आज हम लोग यही बात कर रहे है कि है? हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर को लेकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है तो दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम आप अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम्स भी कहते हैं और प्रोग्राम होता क्या इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड कह सकते हैं दोस्तों मैं ये कह सकता हूं कि एक जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स डाले जाते हैं जैसे अगर आप एक वीएलसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं मूवीज देखने के लिए तो उसमें आपने देखा होगा प्ले का बटन अलग है पॉज का बटन अलग है वॉल्यूम इंक्रीज करने का अलग है सॉन्ग्स uh, को या नेक्स्ट मूवी को या नेक्स्ट वीडियोस को लगाने के लिए आपके पास जो है एक और अलग टाइप का बटन है तो हर अलग अलग, अलग बटन के अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग होती है तो क्या हो गया बहुत सारे प्रोग्राम्स मिल करके क्या बनते हैं आपके पास एक सॉफ्टवेयर तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया हम आ, कह सकते हैं जनरल टर्म में कह सकते हैं दोस्तों कि सॉफ्टवेयर जो है आपके पास एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स है और प्रोग्राम्स क्या होता है तो हर एक प्रोग्राम को आप लिखते हैं आप यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक एक प्रोग्राम बनाता है क्या करता होगा दोस्तों तो उसके अंदर वो कुछ प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस देता होगा कोडिंग लिखता होगा कि इस तरीके से ये हो तो ऐसा हो ये हो तो ऐसा हो जैसे अगर आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यह होना चाहिए इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यह होना चाहिए तो इसका मतलब है कि कमांड्स दिए जाते हैं कंप्यूटर को या कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कंप्यूटर को तो प्रोग्राम क्या हो गया दोस्तों प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और सेट ऑफ कमांड तो हम लोग कह सकते हैं क्या करता है दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क या तो कोई स्पेसिफिक टास्क को आप यूज करते जैसे जैसे कि आप मूवीज देखना चाहते हैं आप एम एस वर्ड को यूज करना चाहते हैं जिसको यूज करते हुए आप डॉक्यूमेंट बना सकते हैं आप यहां पर एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर स्प्रेडशीट का काम कर सकते हैं ऐसे ही आप कोई पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं तो ये जो है सारे के सारे स्पेसिफिक टास्क है या आप पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं तो ऑपरेशंस के काम भी आप कर सकते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज तो आपके कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारी लाइब्रेरीज हो सकती है अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर के तो दोस्तों एम एस वर्ड है एम एस एक्सेल है एंड्रॉइड अब एंड्रॉइड अपने आप में जो है एक कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने आप में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से से इसी टाइप विंडोज है आपके पास इसी टाइप से क्विक हिल है तो विंडोज टेन भी आपके पास एक जो है ओ है ठीक है कह सकते हैं ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है क्विक हिल आपके पास एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से है फोटोशॉप जो है वो आपके पास एक स्पेसिफिक काम करने के लिए क्योंकि फोटो एडिटिंग का काम करते हैं आप फोटोशॉप से तो फोटोशॉप जो है आपके पास एक से कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे ही आपके पास गूगल का है तो गूगल क्रोम है या आपके पास दूसरे और भी जो सॉफ्टवेयर आप इमेजेस में देख सकते हैं जैसे आईओएस है या इंटरनेट एक्सप्लोरर है अवीरा है ठीक है तो ये सारे आपके पास क्या है? अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर से इसी टाइप से अगर हम लोग बात करें सॉफ्टवेयर को लेकर के तो दोस्तों सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हम बात कर सकते हैं कि आपके पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर जबकि दूसरा आपके पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले हम बात करते हैं सिस्टम को लेकर के सिस्टम क्या होता है तो दोस्तों हमारे कंप्यूटर के अंदर जो भी आपको हार्डवेयर दिख रहे हैं ठीक है जो भी हार्डवेयर है वो सारे आपके पास क्या आप उसको कह सकते हैं एक टाइप से सिस्टम कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम ठीक है कंप्यूटर सिस्टम मतलब क्या हो गया कंप्यूटर के हार्डवेयर अब दोस्तों इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट कर सके हैंडल कर सके या एक्सेस कर सके जैसे एक आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकता है या आपके प्रोसेसर को एक्सेस कर सकता है या आपके कीबोर्ड को एक्सेस कर सकता है या आपके मॉनिटर को एक्सेस कर सकता है तो दोस्तों इस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं यहां पर सिस्टम सॉफ्टवेयर सिंपल सी लैंग्वेज है ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं वो सारे आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं या एक स्पेसिफिक काम के लिए, एक के लिए उसको किया जाता है। तो यहां हम लोग कुछ देख सकते हैं सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है या हैट है या एंड्रॉय टू है लाइनक्स है विंडोज एक्सपी है विंडोज नाइन विजटा है दोस्तों ये सारे के सारे आपके पास जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये सारे के सारे आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है हालांकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने आप में सिस्टम सॉफ्टवेयर है लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं और भी उसमें कुछ चीजें होती है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी टाइप से दोस्तों यहां आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऐप है ऐप या, एप या जैसे कि जीमेल देख सकते हैं आप यहाँ दूसरे जैसे गूगल डॉक्स को देख सकते हैं आप यहाँ पे बॉक्स को देख सकते हैं गूगल ड्राइव को देख सकते हैं ऐसे आप वर्ड एक्सल पावर पॉइंट बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो आप यूज करते हैं स्पेसिफिक काम के लिए उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसी टाइप से नेक्स्ट अगर हम लोग यहां पर देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो यूजर को क्या काम करना है वो जो भी टास्क करना चाहता है यूजर तो उसके अकॉर्डिंग अपने हार्डवेयर को एक्सेस करते हुए करे जैसे दोस्तों मैं अगर अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव करना चाहता हूं सिंपल सा काम है, आप करते भी हैं तो ये जो काम किसी हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को स्टोर करने का काम हार्ड डिस्क पे फाइल को सेव करने का काम वर्ड का Excel का या का एक्सेल या पावर पॉइंट नहीं है वो केवल एक रिक्वेस्ट करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से और देन दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है हमारी फाइल्स को सेव करवाता है इसी टाइप से हम लोग यहां कह सकते हैं एंड अदर सॉफ्टवेयर एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं दूसरे जो अपने सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्ड एक्सेल, पावर पॉइंट वो जो परमिशन Uh, उनको बेसिकली कह सकते हैं परमिशन देने का काम किसका है सिस्टम सॉफ्टवेयर का जैसे मैंने आपसे अभी कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहेगा फाइल सेव करनी है भाई साहब मेरे को तो सेव करवाएगा कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर यह क्या करेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट या कह सकते हैं कि request करेगा request पूरी कौन करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर अब हम बात कर सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं तो सबसे ज्यादा यूज आने वाला हम लोग कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जनरल टर्म में जब भी हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं तो दोस्तों हमारे माइंड में हमेशा क्या आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस के अलावा दो नाम और है जैसे कि डिवाइस ड्राइवर है या अपने पास लैंग्वेज प्रोसेसर है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यूज करते हैं अगर आप मोबाइल चला रहे हैं अभी तो आपके पास शायद एंड्रॉयड होगा या आई होगा इसी टाइप से अगर आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों पक्का आप लाइनेक्स यूज कर रहे होंगे या विंडोज यूज कर रहे होंगे या मैकेटोस यूज कर रहे होंगे तो ये सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं अपने पास यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम इनके एग्जाम्पल से इसी टाइप से दोस्तों अपने पास नेक्स्ट है वो है डिवाइस ड्राइवर देखिए किसी भी डिवाइस को डिवाइस मतलब हार्डवेयर को चलाने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है जैसे मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर मैं कोई कैमरा यूज करना चाहता हूं अपने कंप्यूटर में तो ऑब्वियस है उस कैमरे से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर तो हो होंगे मेरे कंप्यूटर पर तभी तो वो कैमरा चल पाएगा ऐसे ही जब कोई कीबोर्ड आप चलाना चाहते हैं जब आप कोई माउस चलाते हैं आप जब कोई मॉनिटर चला रहे होते हैं या आप कोई दूसरे जो भी हार्डवेयर को आप यूज करते हैं तो दोस्तों उस हार्डवेयर को चलाने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर ड्राइवर्स तो ड्राइवर्स क्या हो गए आपके पास डिवाइस ड्राइवर डिवाइस को चलाने वाले सॉफ्टवेयर ठीक है क्या कहेंगे बाइनरी फॉर्मेट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जो कि वन और जीरो होता है तो दोस्तों वन और जीरो की लैंग्वेज हम लोग जो है जब देखते हैं तो हमें तो नहीं दिखती है हमें तो ह्यूमन लैंग्वेज दिखती है जैसे कि हिंदी इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आप लोग देखते हैं अपने कंप्यूटर में तो दोस्तों एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम ट्रांसलेट करने का काम किसका होता है ट्रांसलेटर का यह हम लोग कह सकते हैं लैंग्वेज लैंग्वेज प्रोसेसर का जो एक को दूसरी लैंग्वेज में बदलने का काम करता है आइए इन तीनों टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया तो मैनेजेस रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लाइक अपने कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है इसी टाइप से अपने सीपीयू यानी कि प्रोसेसर को मैनेज करता है दोस्तों ये हार्ड डिस्क को भी यहाँ पर कह सकते हैं कि मैनेज करने का काम करता है ऐसे दोस्तों प्रिंटर को भी ये मैनेज करता है तो आपके कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर्स हैं सभी इसकी जो है उसको मैनेज कौन करता है ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपके माइंड में अभी कुछ और नाम भी आ रहे हैं तो दोस्तों उनको भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि ऑल्सो प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर सिस्टम मेरा और मेरे कंप्यूटर के बीच का जो आ, कह सकते हैं कि जो आ, पाथ है या कह सकते हैं कि जो इंटरफेस है वो भी यही मैनेज करता है जैसे एक इंटरफेस आप लोग देख रहे होंगे शायद अभी की यहाँ एक लाइक like का बटन है इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ काम होगा सब्सक्राइब का बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ काम होगा तो किस बटन पे क्लिक करने पर क्या काम होगा एक इंटरफेस है इंटरफेस मतलब आपस में कम्युनिकेट करने का माध्यम है कम्युनिकेट करने का तरीका तक बता रखा है कि आप मशीन से बात कर सकते हैं और मशीन आपसे बात कर सकती है जैसे दोस्तों मैं जब फाइल को सेव करता हूं तो मेरा कंप्यूटर बोलता है भाई साहब फाइल कहाँ सेव करनी है किस जगह पे सेव करनी है फाइल का नाम क्या रखना है दोस्तों मैंने जो नाम रखा वो ऑलरेडी वहां पर फाइल पड़ी थी तो मेरे कंप्यूटर ने बोला भाई साहब इस नाम की फाइल तो ऑलरेडी पड़ी है क्या मैं उस पुरानी वाली फाइल को ओवर राइट कर दू यह आपको नया नाम रखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने उसका नाम चेंज किया तो देखिए मेरा और कंप्यूटर के बीच में क्या हो गया कम्युनिकेशन हो गया अब ये जो कम्युनिकेशन हुआ ये क्या कहलाएगा यहां पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक इंटरफेस मिला है तो इंटरफेस देता कौन है

इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है है पर डिवाइस डिवाइस ड्राइवर ड्राइवर क्या होता है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपके हार्डवेयर को चलाने के लिए जो स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग डिवाइस ड्राइवर तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ऑल द डिवाइस लाइक माउस की बोर्ड मॉडर्म एक्सेट्रा नीड एटलीस्ट वन कॉरिस्पॉन्डिंग डिवाइस ड्राइवर्स अ डिवाइस ड्राइवर इज अ प्रोग्राम दैट Controls device, तो हैं है, आप ले तो ले सकते मैं एक बार आ, साइड में हो जाता हूं। इस तरीके से आप इसका इस ले पाएंगे। इसी तरीके से से इसका पाएंगे। इसी अब हम लोग नेक्स्ट तो अपने पास है यहाँ पर लैंग्वेज प्रोसेसर लैंग्वेज प्रोसेसर क्या हो गया एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदलने वाला यानी कि ट्रांसलेटर दोस्तों कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर या ट्रांसलेटर क्या करता है कन्वर्ट्स अ अ कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर इट टेक्स प्रोग्राम अम्प्यूटर इन सोर्स कोड ये क्या करता है एक सोर्स कोड को रीड करता है दोस्तों इस टाइप से कह सकते हैं एक आपके पास क्या है सोर्स कोड और सोर्स कोड को आपको यहां पर बदलना होता है सपोज ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में तो सब आ, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है दोस्तों इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रांसलेटर क्या करता है इसको लेता है और इसमें बदल के भेजता है ठीक है तो सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है सोर्स कोड को मशीन फॉर्म में या बाइनरी फॉर्म में बदलता है आप जो भी लैंग्वेजेस जानते जैसे सी लैंग्वेज का नाम सुना होगा सी प्लस प्लस का सुना होगा दोस्तों आपने शायद जावा का नाम सुना होगा पाइथन का सुना होगा एच का सुना होगा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हालांकि एच आपके पास एक मार्कअप लैंग्वेज है तो दोस्तों एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में बदलने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है क्या बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेटर अब ये जो ट्रांसलेटर है दोस्तों वो फिर से आपके पास तीन टाइप की होते हैं एक है आपके पास असेंबलर ठीक है असेंबलर क्या होता है तो जो सेकंड जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज तो असेंबली लैंग्वेज में सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए आपके पास जो ट्रांसलेटर होता है उसका एक नाम दिया गया है क्या नाम है असेंबलर ऐसे ही दोस्तों एक इंटरप्रिटर भी होता है और एक कंपाइलर भी होता है तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरप्रिटर होता है जैसे बेसिक लैंग्वेज है विजुअल बेसिक है वीबी डॉट नेट है और भी दूसरी लैंग्वेजेस है ऐसे ही कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C है C++ है तो वहां पर दोस्तों कंपाइलर को यूज किया जाता है तो इस टाइप से कुछ डेफिनेशन है अगर आप चाहते हैं तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सॉफ्टवेयर्स को लेकर के जिसमें है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ये एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोग्राम होते हैं एक स्पेशल काम करते हैं एक स्पेसिफिक टास्क के लिए जैसे कि कोई गेम्स है या हम लोग कह सकते हैं कि मूवीज़ देखने के लिए एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है एक आपके पास जो कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए है एक स्प्रेडशीट के लिए है एक प्रेजेंटेशन के लिए है एक फोटो एडिटिंग के लिए एक स्पेसिफिक काम के लिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो दोस्तों क्या है सॉफ्टवेयर यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स स्पेसिफिक और प्रोवाइड एंटरटेनमेंट फंक्शन बियॉन्ड द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर इट अब इसमें भी हम बात कर सकते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपके पास अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जैसे हम लोग कह सकते हैं दोस्तों यहां पर आपके पास एक है जनरल पर्पज जनरल पर्पज ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप भी यूज करते हैं मैं भी यूज करता हूं बहुत कॉमन है सभी लोग यूज करते हैं और ये जनरल पर्पज के लिए होते हैं जैसे जैसे वर्ड है एक्सेल है पावर पॉइंट है फोटोशॉप है ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है ऐसे दोस्तों कस्टमाइज होता है आपके घर के आसपास में कोई मॉल हो सकता है कोई अः ऐसी शॉप हो सकती है जिनका बिल बनाने का सिस्टम अलग टाइप का सॉफ्टवेयर वो लोग यूज करते होंगे तो वो क्या करते हैं अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनवाते हैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर कंपनी से तो दोस्तों उनका बिल का या इन्वेंटरी या उनके जो कुछ भी मैनेजमेंट है ठीक है तो पूरे बिजनेस को मैनेज करने के लिए एक स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो अपना सॉफ्टवेयर कहीं से बनवाते हैं उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ये है जैसे कि इन्वॉइस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम हो गया ऐसे ही और भी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम कहीं से बनवाते हैं वो सारे कस्टमाइज्ड है इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट है अपने पास वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो यूटिलिटीज क्या हो गया यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं हमारे कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाते कह सकते हैं हमारे कंप्यूटर के हर तरीके से काम करने को इनहेंस करते हैं उनकी स्पीड को कह सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट को कह सकते हैं तो यहां पर आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर है

हो सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करें सॉफ्टवेयर्स को लेकर के सॉफ्टवेयर्स क्या था सॉफ्टवेयर्स के टाइप क्या होते हैं उनके अंदर यानी कि वो और अपने आप में किस तरीके से क्लासिफाइड हो सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने बात करी सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के टाइप को लेकर के तो आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए थैंक यू